Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Zishan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पब्लिश हुए 22 अगस्त 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. फजलुर रहमान साहब करंट जो कोलिशन गवर्नमेंट है इससे खुश नहीं है और उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अपोजिशन पार्टीज़ जो आजकल करंट कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अकेले ही जो हैं वो फाइट करेंगे. और पहले उन्होंने कोशिशें की हैं कि पीटीआई के साथ जो हैं वो मिल जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई के साथ मिलेंगे नहीं, लेकिन जितनी भी पार्टीज़ जो करंट कोलिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट निकलती हैं उनका जो सेम जो इशू होगा उस पे हम इल्हाक शो करेंगे. ठीक है जी, जस्ट ये एक सिंपल सी एक न्यूज़ है. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना मेंटली फिज़िकली इमोशनली लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. ठीक है, और आपने जी स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने अंदर ले के आनी है चार चीज़ें. ठीक है, नंबर वन अपने अंदर ले के आना है आपने सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए आपका अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे. ठीक है, और अपना जो एनर्जी है वो कहीं वेस्ट ना करें ताकि आप जो हैं वो इस जर्नी के लिए जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं. दूसरा आपने ले के आना है जी हौसला. ठीक है, जहरी बात है ये जर्नी जो है इसमें बड़ा हौसला चाहिए. आपको शक अपने आप पे जो है होने लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, और जहरी बात है एक टफनेस है, लेकिन टफनेस के बाद ही आपका माइंड जो है वो शार्प बनेगा, स्मार्ट बनेगा. ठीक है, उसके अलावा आपने जो है विजडम अपने अंदर ले के आनी है. ठीक है, कि आप जो हैं वो काम करें जो रीज़नेबल हों और वो काम करें जो गोल ओरिएंटेड हों. जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शन है. स्टडी से आपको बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ें रोकती हैं, जिस तरह आजकल इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उन सब से आपने बचना है अनटिल यू आर सक्सेसफुल. उसके बाद जी जस्टिस. जस्टिस का मतलब है डू नॉट हार्म योर सेल्फ एंड डू नॉट हार्म अदर्स. ठीक है, अपने साथ भी इंसाफ करें और दूसरों के साथ भी इंसाफ करें ताकि ये जो जर्नी है, ये जो चार चीज़ें हैं आपके अंदर जो लीडरशिप है उसको क्रिएट कर देगी. ठीक है, तो जी इस वीडियो में हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो डेली बेस पे अपलोड हो जाता है. जो बच्चे विलिंग हैं कि वो पास्ट का ओपिनियन भी ले लें और आज का भी ले लें तो वो इस नंबर पे रब्ता करें. 500 फीस है, डेट इज़ नॉट टू हाई. ठीक है जी, तो इसमें हम सबसे पहले जी एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, डेट इज़ साइन ऑफ ट्रबल. ठीक है, इसमें बात सिंपल सी है कि आजकल हमारी जो मिलिट्री फोर्स है या सिविलियन फोर्स हैं वो डिजिटल टेररिज्म जो है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रही है. जिस तरह आपने देखा होगा इंटरनेट की सर्वर स्लो हुई क्योंकि फायरवॉल लाई जा रही है. नो डाउट फायरवॉल का लाना भी एक नेसेसरी काम है क्योंकि फिफ्थ जो जनरेशन वार है उसमें आप जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल में कर रही हैं. लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में एक और इशू जो है वो खड़ा हो गया है. आप जानते हैं कि जब से तालिबानों की हुकूमत आई है अफगानिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दों की तंजीम है TTP, तरीके तालिबान पाकिस्तान. इनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है अफगानिस्तान और ये दहशतगर्द अक्रॉस द बॉर्डर आके पाकिस्तान के अंदर काज कर रहे हैं टेररिज्म, ख़ास तौर पे KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर. और ये जो तालिबान जो थे इनको जो पहले इनके साथ देते थे उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि वो फाटा में अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकते हैं, कुछ को सजाएं सुनाई दी गई थी. अब वो सारा ग्रुप जो है ना वो दोबारा एक्टिव हो रहा है और ये पूरी जो लहर है दहशतगर्दी की ये अब हमें नज़र आ रही है. जिस तरह आपने देखा कि जो चाइना की का प्रोजेक्ट है सी पैक की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर वो भी थ्रेट में आ गया था. जितने भी चाइनीज़ इंजीनियर हैं उनके ऊपर TTP अटैक कर रही थी और बजट पास होने से पहले शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ चाइना गए तो चाइना के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और उसके अलावा जो PM है ली क्वेंग वेंग ली, आप जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के, इनके साथ मुलाकातें हुई हैं.
इन्होंने कहा है कि आप हमारे बंदों को सिक्योरिटी दें, ठीक है, जिससे आप जानते हैं पाकिस्तान में जो है एक मिशन भी स्टार्ट हुआ कि हमने जितने भी दहशतगर्द हैं इनको ख़त्म करना है, अजमे इस्तेकलाल के नाम से जो है ये मिशन था। तो ये राइटर जो है वो कहता है कि अब स्टेट को चाहिए कि अपनी अटेंशन जो है ना वो डिजिटल टेररिज्म जो है उससे हटा के जो एक्चुअल टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आ गई है ना, जो बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो टेररिज्म है उसके पीछे होती है एक्सट्रीमिज्म, जितनी सोसाइटी एक्सट्रीमिज्म होगी वहाँ पे वायलेंस भी देखने को मिलता है। तो अर्जेंट बेस पे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के थ्रेट पैदा हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा जितने भी मिलिटेंट्स हैं इन्होंने अपने रास्ते हमवार कर लिए हैं, नॉर्दर्न एरिया में ये जो हैं अपने सफाया कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जो टारगेट है और अपने जो होम है वो बिल्ड कर रहे हैं खुफिया तौर पे। और उसके अलावा वहाँ पे आप जानते हैं आए दिन जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी हलाकतें भी देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान जो है वो गन फाइट के लिए तैयार है मिलिटेंट के साथ, और उसके अलावा 3 ट्रूप्स जो हैं अफगान अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी हुआ, और चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर भी अटैक हुआ, ग्वादर भी ख़तरे में है। अभी रिसेंटली 3 जो सोल्जर हैं बजोर एजेंसी जो कि एक्स फाटा की एजेंसी है वहाँ पे अफगान बॉर्डर के पास, उनको इन मिलिटेंटों ने मार दिया है, और पाकिस्तान के जो सिपाही हैं उनकी हलाकतें हो रही हैं जो कि टेररिस्ट के साथ कन्फ्रंट करते हैं, इनके साथ लड़ते हैं। ये TTP और उसके अलावा लश्कर इस्लाम ये जो फाइटर हैं जो दहशतगर्द तंजीम है ये तिरा वैली जो है नॉर्दर्न एरिया में वहाँ पे दोबारा इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको जी ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ना फैलाएं, ठीक है। इसके लिए हमें अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और मिलिट्री को जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उनको दिए जाएं, और इसके लिए कहता है कि बैटल जेयर का मतलब होता है असला और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि जो एसिमेट्रिकल वारफेयर है इसको हैंडल किया जा सके। और जो अभी अमेरिकन छोड़ के गए हैं नेटो की फोर्सेस 2021 में अफगानिस्तान को, तो लेटेस्ट हथियार भी इनके हाथ लगे हुए हैं, तो इसके लिए कहता है कि स्पेशल यूनिट क्रिएट किए जाएं ताकि ये जो अनकन्वेंशनल वे में जो चालें चली जा रही हैं इनको काउंटर किया जा सके। उसके अलावा जी लोकल पुलिस, उसके अलावा और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मिलजुल के काम करें, ख़ास तौर पे तीरा रीजन में, और वहाँ पे इन मिलिटेंट को जो है वो ख़त्म किया जाए, जितने भी ये जो रिस्क इनकी बढ़ती जा रही है और ये दहशतगर्द जो हैं वहाँ के लोकल लोगों से शेल्टर और फूड भी डिमांड कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। इमीडिएट बेस पे जो स्टेब्लिशमेंट है और जो स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं ये मिल के काम करें ताकि इन अफेक्टेड एरिया को जो है दहशतगर्दी से प्रोटेक्ट किया जा सके। पास्ट में जो हमारी मिस्टेक हुई और जिससे वजीरस्तान और बालाकंड ये भी आप जानते हैं नॉर्दर्न एरिया में आते हैं KPK के अंदर मर्ज हैं, तो यहाँ पे भी कहता है कि हमें अभी पास्ट में जो नुकसान हुआ इस दफ़ा हमें पहले से उन गलतियों से सीख के इन दहशतगर्दों से निमटना है, और हमें कहता है कि फोकस करने की ज़रूरत है कि डिजिटल टेररिज्म के अलावा जो एक्चुअल हमें जो मसला आ रहा है उससे फिलहाल हमें निमटने की ज़रूरत है। आर्टिकल जो है वो स्ट्रेस करता है कि सिविलियन और मिलिट्री कोऑपरेशन से जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की नई लहर है इससे निमटा जाए, और इसके लिए मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो पास्ट में हमने गलतियाँ की हैं उनसे सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जी एडिटोरियल है प्लगिंग द गैप, गैप को कम करना। ख़ास तौर पे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 2 पुलिसियाँ होती हैं, एक होती है फाइनेंस पुलिसी, एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी। फाइनेंस पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, जब भी पाकिस्तान में बजट पेश होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के खर्चे कितने हैं और उन खर्चों को पूरा कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर, और जो हमारी आमदन है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जब इन दोनों के अंदर गैप आ जाए, ठीक है, तो वो जो पैसे हैं जो पूरे नहीं पड़ रहे होते उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसेट, ठीक है। तो इसको लेके कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिस्कल डेफिसेट है, मतलब माली खसारा है, खर्चे ज़्यादा हैं आमदन कम है, ठीक है,
कहते हैं 2010 में हमारा जो खसारा था हमारी जीडीपी के हिसाब से 6.3% था। अब कहता है कि ये डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ गया है, 7.4% हो गया हमारे जीडीपी का लास्ट 5 ईयर में, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उन कर्ज़ों को के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको पे करने में भी हमारा पैसा चला जाता है। उसके बाद इस दफ़ा हमने जो है गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% से कम लेके आएंगे। इसके लिए IMF के साथ एग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं। जो अभी बजट आया है इसमें जी 8.5 ट्रिलियन रुपये जो हैं वो कम पड़ रहे थे, ठीक है, तो पिछले साल 8.3 ट्रिलियन रुपये कम पड़ रहे थे। फिर जब पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से पैसे उधारे लेती है। 32 ट्रिलियन रुपये जो हैं कहता है कि हम फिर बाहर से लेते हैं और ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। पाकिस्तान का जो जीडीपी के लिहाज से जो बर्डन है ख़ास तौर पे डेप्थ का वो बढ़ता जा रहा है, और इन कर्ज़ों को अदायगी के लिए अब जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ता है, फिर मज़ीद इनको हर साल जो है वो फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो कहता है कि हम पाकिस्तान 24 टाइम जो है 24th टाइम IMF के पास गया है, और हमें अपना मुल्क चलाने के लिए हमेशा से बाहर की मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बोरिंग प्लान हम करते हैं हर साल, जिस तरह इस दफ़ा हमने IMF से $7 बिलियन की जो है वो डील ली है, और चाइना का जो कर्ज़ा हमारे ऊपर है $7.9 बिलियन उसको हम रोल ओवर करवा के आए हैं। जो अभी बजट पास होने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ चाइना गए थे, क्योंकि IMF की शर्त थी कि जो हम आपको पैसा देंगे इसमें से ये पैसा आपने चाइना को नहीं देना, कि चाइना और अमेरिका आपस में कोल्ड वार खेल रहे हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंज पैदा हो रहे हैं। IMF से डील लेना और चाइना से कर्ज़ा जो है वो रोल ओवर करवाना, इसके लिए पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये जो फिस्कल क्राइसिस है इसको जी हैंडल करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी एलीट एक्सेसिव स्पेंडिंग करती है उसको ख़त्म किया जाए। पुअर पॉलिसी जो डिसीजन हैं ये काज हैं जो कि पाकिस्तान में फिस्कल क्राइसिस है, स्ट्रक्चरल इशू है, इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस है, तो ये सारे इश्यूज हल करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म हम सिर्फ IMF के पास जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, चाइना की सपोर्ट ले लेते हैं, तो इससे काम नहीं बनता। तो आपने जो है अपना डेफिसिट तभी कम होगा जब आप सस्टेनेबल बेसिस पे अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाएंगे, डेप्थ मैनेजमेंट करेंगे, और तब जाके आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। उसके बाद है जी तीसरा एडिटोरियल, कराची एक्सीडेंट। कराची में जी आपने खबरों में सुना होगा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, करजस रोड के अंदर एक जो अलीट क्लास की फीमेल है उसने जी ये हैवी, उसके पास गाड़ी थी लैंड क्रूज़र, ये उसने मारी है। और एक फीमेल जो MBA कर रही थी, 26 साल उसकी उम्र बताई जाती है, उसकी डेथ हो गई है, उनकी अब्बू की डेथ हो गई है। तो इससे जी आउटरेज देखने को मिला, गुस्सा देखने के को मिला है कराची के अंदर आम आवाम का। आमना जिसकी उम्र 26 साल थी, उनके अब्बू 60 साल के, ठीक है, उनके ऊपर ये जो लैंड क्रूज़र है स्पीड से आ रही थी, उनकी बाइक पे टकराने से जो कराची का करजस रोड है वहाँ पे इन दोनों की हलाकत हो गई है। आमना MBA की स्टूडेंट थी और उनके अब्बू जो हैं वो स्नैक वगैरह बेच के फैमिली को सपोर्ट करते थे। आमना पार्ट टाइम भी जॉब करती थी, ठीक है। तो इसको लेके कहता है कि वो जो मुजरम है उसको पकड़ लिया गया है, जो एक्यूज्ड है उसको जेल पे जो है वो भेज दिया गया है। CCTV जो फुटेज है उसमें आप देख सकते हैं कि एक लैंड क्रूज़र जो वाइट रंग की है जिसको नताशा ड्राइव कर रही थी, वेल्दी फैमिली से उसका ताल्लुक है, जानबूझ के कहता है रेकलेसली वो ड्राइव कर रही थी और उसने मोटरसाइकिल को क्रैश किया। इस कुलयन से कहता है कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ और वायलेंट जो विक्टम थे उनकी बॉडी एयर में उड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, और साथ कहते हैं कि मज़ीद जो वहाँ पे गाड़ियाँ थी उसको भी उसने हिट किया है, ठीक है। इस क्रैश से काफ़ी जो 3 और इंडिविजुअल हैं वो भी इंजर हुए हैं, ठीक है। तो ये सीन है, तो पब्लिक जो है उसमें गुस्सा भी था, गम भी था इस तरह की हालत को देख के, और कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रही है पुलिस से भी।
और कहते हैं कि कुछ लोग शक कर रहे हैं कि इस केस को भी दबा दिया जाएगा, और ये केस जो है कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिस हैंडलिंग देखने को मिलती है जब भी प्रिविलेज स्टेटस वाला कोई केस आता है। तो इसलिए राइटर कहता है कि जस्टिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में जो है वो रूल ऑफ लॉ हो सके। इसके लिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, चार्जेस जो जुर्माना बारीन पे जो है वो लगना चाहिए, ठीक है, जीरो टॉलरेंस और लिनेंसी होनी चाहिए इनकी तरफ, ताकि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर ये एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो ना आए और इंसाफ दें। उसके बाद आज की वोकेबलरी है, वोकेबलरी के लिए मैंने बताया था आपको फार्मूला UPA। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते, वो हैं अननाउन। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको देख के आपको मतलब पता चल जाता है, वो है पैसिव। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हैं एक्टिव। तो आपने अननाउन लफ्ज़ इकट्ठे करने हैं, पैसिव को एक्टिव करना है ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो बेहतर हो। तो ये बड़ा अहम पार्ट है वोकेबलरी, ठीक है। तो अभी हमारा बड़ा प्लान है, इंशाल्लाह हम जो हैं ग्रामर्स भी इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और ये फाइल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो प्राइवेट जो हैं सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है जी। पहला आज का आइडियम है यू आर व्हाट यू ईट। इसका मतलब होता है आप वही हैं जो आप खाते हैं। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ है इस पे डिपेंड करती है कि आप कंज्यूम क्या करते हैं, ठीक है। तो अपनी हेल्थ अगर अच्छी करोगे तो खाना अच्छा करना पड़ेगा। शी बिलीव इन ईटिंग अ बैलेंस डाइट बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। ईजी डज इट, आहिस्ता करो, ठीक है। टेक थिंग्स स्लोली एंड केयरफुली, आहिस्ता आहिस्ता और केयरफुली काम करते जाना। वैन लिफ्टिंग हैवी बॉक्सेस रिमेंबर टू टेक इट ईजी, ईजी डज इट टू प्रिवेंट इंजरी। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड, ऑल टूगेदर का मतलब होता है मजमूई तौर पे, कम्प्लीटली। द कंसर्ट वॉज ऑल टूगेदर मिसमराइजिंग, और ऑल टूगेदर का मतलब सब एक साथ। लेट सिंग द सॉन्ग ऑल टूगेदर, यहाँ पे कोरस लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद है जी दूसरा पेरा वर्ड, एम्बिगुअस का मतलब होता है मशकूक, जिस पे डाउट हो। द एम्बिगुअस स्टेटमेंट कन्फ्यूज एवरीवन। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है वो फीलिंग्स जो कि डायलमा का शिकार होगी, मतलब आप दो फीलिंग्स के दरमियान है, एक अच्छी फीलिंग और एक बैड फीलिंग, ठीक है। तो फीलिंग बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। हिज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टूवर्ड द प्रोजेक्ट मेड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट, मतलब आप की थिंकिंग क्लियर नहीं है, आप फंसे हुए हैं कि आया कि मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं कि नेगेटिव देखूं। उसके बाद है आज की एडिटोरियल से वर्ड्स, मिलिटेंसी का मतलब होता है जिसमें जंगजोईपन हो, ठीक है, जिस तरह मतलब अग्रेसिव वे में पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज़ करना, वायलेंस फैलाना, जिस तरह दहशतगर्द फैलाते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम है पैसिफिज्म, मॉडरेशन। इन रोड का मतलब हमले का तरीका, रास्ता बना लेना अपने, जिस तरह TTP ने इन रोड बना लिए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। एसमेट्रिकल का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, इरेगुलर चीज़ हो। उसके बाद है प्रूडेंस का मतलब होता है जिसमें आप बड़े ध्यान से केयरफुल वे में डिसीजन करते हो, दना बंदा होता है उसे कहते हैं प्रूडेंस, वाइज बंदा। एंटोनम रेकलेस, ठीक है, फुलिश। डेफिसिट का मतलब कमी होना, शॉर्ट फॉल होना। एंटोनम अबंडेंस। बर्डन का मतलब बोझ, वेट, लोड। एंटोनम रिलीफ। उसके बाद है जी इनोसेंट, मासूम बंदा, ठीक है। एंटोनम गिल्टी। रेकलेसली का मतलब बेपरवाही से। एंटोनम कॉशियसली। अलाइट का मतलब अमीर बंदा, अशराफिया। एंटोनम कॉमनर, ऑर्डनरी पीपल। उसके बाद कंट्रोवर्सी, झगड़ा, डिस्प्यूट। एंटोनम एग्रीमेंट। कंटेंशंस का मतलब अख्तिलाफ रखना। एंटोनम हारमनी, एग्रीमेंट। इमोशनली का मतलब होता है जज्बाती तौर पर। एंटोनम इसका दिमागी तौर पर, रैशनली, इनडिफरेंटली। एपिसेंटर का मतलब होता है मरकज होना किसी चीज़ का, ठीक है। एपिसेंटर ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस लाइज इन मिसमैनेजमेंट। रीस्केजुलिंग का मतलब दोबारा चीज़ को जो है वो तायुन करना, ठीक है। एंटोनम मतलब रीस्केजुल का मतलब चीज़ों को पोस्टपोन करना, मतलब बाद में कर लूँगा। एंटोनम का मतलब इसका है कीप, मेंटेन, रिटेन। फ्रॉड का मतलब परेशान होना, ठीक है, नेग्जियस। एंटोनम इसका कॉम, रिलैक्स। उसके बाद है वैंक्विश्ड का मतलब होता है कि डिफीट, किसी को शिकस्त दे देना। एंटोनम विक्टोरियस, ट्रिम्फंट।
इंसेंटिव का मतलब किसी को फ़ायदा देना, इनकर्ज करना, मोटिवेट करना। एंटोनिम डिस इंसेंटिव पेनल्टी। मायोपिक का मतलब धुंधला, ठीक है, सही दिखाई ना देना। एंटोनिम जो है फार साइटेड, आगे की देखना, दूर की सोच रखना, ठीक है। रीसेटल का मतलब होता है दोबारा बसना, दोबारा जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना। एंटोनिम डिसप्रूव, डिसप्लेस, अपरूट। डिमोलिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्डिंग को खास तौर पे। एंटोनिम कंस्ट्रक्शन। कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट। एंटोनिम एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये थे आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।